बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह के बज रहे हैं, सॉरी सुबह के नहीं, दोपहर के बज रहे हैं डेढ़ मतलब 1:30। और अभी मैं ज़रा बाहर निकला हूँ, धूप पड़ रही है अच्छी भली, लेकिन हवा भी चल रही है माशाल्लाह अच्छी भली। और यानी मौसम वो क्या बोलते हैं, वैसे तो फ्रूट में तो कहते हैं जी खट्टा मीठा, लेकिन ये गर्म सर्द मौसम है। तो बाकी खैर, अभी मौसम आज तो आसमान तो बिल्कुल साफ है, यानी हल्के हल्के बादल हैं आसमान पे, लेकिन ये है कि मौसम अच्छा है, बुरा नहीं कह सकते अल्हम्दुलिल्लाह। यानी रमज़ान में ये मौसम मिलना गनीमत बोलते हैं ना, गनीमत है, शुक्र अल्लाह का। तो बाकी हर कल मैंने कुछ पैसे भेजे थे पाकिस्तान में, तो वो कुछ रिसीव हो गए और एक रिसीव नहीं था हुआ, तो उसकी वजह से ना वो थोड़ा सा मसला बना हुआ था। तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ, तो वो बोल रहे थे रिसिप्ट लेके आए, तो फिर इंशाल्लाह आपका मसला सही हो जाएगा। तो अभी वो मैं जा रहा हूँ, तो उधर देखता हूँ क्या बोलते हैं वो लोग, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पर खैर करेगा। बाकी आज का दिन आपके साथ शेयर भी करते हैं। ये है जी महारक का बाज़ार जहाँ हम लोग रहते हैं, और ये सबसे फेमस ये सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, यानी इधर इसको बोलते हैं जी महारक का मरकज़, यानी मरकज़ बोलते हैं इधर, वो लिखा हुआ है ऊपर अलमुजम्मा अमनी, ठीक है, यानी सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स अरबिक में उधर लिखा हुआ है मुजम्मल अमनी। तो अभी हम लोग जी इधर आए हैं बाज़ार में, और माशाल्लाह से चेक करें रश बाज़ार, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जहाँ से गाड़ी है यहाँ से बाज़ार स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है। तो मैंने जहाँ जाना है वो भी इधर पास ही है, लेकिन रश चेक करें, मुझे अभी 5 से 7 मिनट हो गए हैं मैं इधर खड़े हुए और अभी तक माशाल्लाह से रश ना हुआ है ना, यकीन करे ईद वाले दिन तो पैर रखने को जगह नहीं होनी, माशाल्लाह से इतना रश हो जाता है बाज़ारों में। तो बाकी अभी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम लोग, कब फ्री होते हैं। काम जी अपना ख़त्म करके आ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से काम हो गया हुआ है, और अभी मैं घर के पास आ गया हूँ, गाड़ी खड़ी की है और एसी में सुकून मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ी देर में सोचा कि बैठता हूँ फिर जाता हूँ घर के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि आगे की रूटीन बनती है। आज नट्स का प्रोग्राम बन रहा है, देखें अगर तो लड़के पूरे हो गए तो इंशाल्लाह नट्स पे भी जाएंगे। तो देखें फिर आगे जो भी होता प्लान आपको भी इंशाल्लाह दिखाते हैं। फिर आज की इफ्तारी हमारी आ चुकी हुई है, दस्तरखान सज चुका हुआ है, और ये है जी हमारे पास आज चटनी, और ये इधर समोसे, बैंगन पकोड़े, चिकन रोल्स, और ये है जी हमारा वाटरमेलन, और ये चाट, और ये हमारे पास दो किस्म की है जी पानी है, एक वो दूसरा बनाया हुआ है हमने, और ये है जी नींबू पानी। और अभी रोज़े में कुछ 5 से 10 मिनट बाकी हैं, इंशाल्लाह रोज़ा खुलेगा और रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह इन मज़ेदार चीज़ों से। अफ्तारी के बाद जी मैं अभी निकला हूँ बाहर और जाके पिक करने लगा हूँ व्हाट्सअप को, व्हाट्सअप की कॉल आई थी, बोल रहे थे कि फ्री हो तो आ जाओ, चलते हैं कहीं बाहर, घर पे बोर हो रहा हूँ, तो मैंने बोला चलें जी चलते हैं बाहर कहीं, फिर अब देखते हैं जी कहाँ कहाँ हमारा जाने का प्लान बनता है। पहुँच तो हम लोग गए हैं भाई, लेकिन व्हाट्सअप नज़र नहीं आ रहे कहीं पे, ना इधर खड़े हैं ना उधर खड़े हैं ना ही उधर खड़े हैं, इधर BFC आए हुए थे व्हाट्सअप बोल रहे थे, तो अभी कॉल करते हैं फिर देखते हैं किधर है व्हाट्सअप। ले जी ये आ गए जी व्हाट्सअप। वालेकुम सलाम, मैं सरकार रहते सामने खलोते हैं तुझे कहते उधर, मैं वो फ्रंट जो दुकान से चला गया सी। अच्छा अच्छा अच्छा, बंदा क्या दा हफ्ते साढ़े दा मैं फ्लाट, मैं क्या तेरी क्या पते हूं लेट हो गए। अच्छा सही हो गया, तेरे की प्लान है जो कोई प्लान नहीं, दसो तू सरकार फ्री हो गया सी की हम तानो दसी है किधर जानदा प्रोग्राम दसो तू सी
کتنے جانا ہے جی؟ رمضان میں وہ ہے جی پاکستانی کلب، تو وہاں پر چلتے ہیں میچ کا آنند لیتے ہیں۔ یہ ہمارے عمر بھائی ہیں جی، ایکشن چیک کر کے پکھا پھیر دے نے ایک واری، چیک کریں جی۔ اجیا ملا، اجیا تیرے چاکے، آیا ملا۔ سانی کلب سے ہم لوگ جی واپس آ چکے تھے، بٹ صاحب کو گھر پہ اتارا ہے اور میں بھی ابھی گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ میچز بور ہونے شروع ہو گئے تھے، بالکل ڈیلے میچ، ون سائڈڈ میچ ہو رہے تھے، مزہ نہیں تھا آ رہا، تو بٹ صاحب کہتے ہیں جی چلو گھر کی طرف ہی اب چلتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم لوگ گھروں گھر اب جا رہے ہیں۔ اور اب جناب کل کا دن، اسی دن ہوگا انشاءاللہ، دیکھیں اب کیا کیا شیڈیول کل کا بنتا ہے، اللہ خیر کریے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک ضرور کرے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا اور بیل آئکن کو دبا دیے گا تاکہ میرے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔